पान की पार्टी में छेदता था, तो वहाँ से रेडीमेड से मिला, फिर हमने यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पे सर तो सर्च किया तो पता लगा यहाँ पे मतलब दूरबीन से होता था सर। 15-20 दिन पहले इन्होंने के हमारे हॉस्पिटल में आकर के दूरबीन से बिना चीरे के ऑपरेशन करवाया, कल इनका री मेडिकल हुआ और इनका क्या फिटनेस भी क्लियर हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर, जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल कंसल्टेंट ENT सर्जन। आज हमारे साथ में हैं सौरभ यादव, यूपी से हैं, आर्मी एस्पिरेंट हैं। इनके कान में प्रॉब्लम थी, कान का पर्दा खराब था, पर्दे में छेद था, रस्सी आती थी। 15-20 दिन पहले इन्होंने के हमारे हॉस्पिटल में आकर के दूरबीन से बिना चीरे के ऑपरेशन करवाया, कल इनका री मेडिकल हुआ और इनका क्या फिटनेस भी क्लियर हो चुका है। आइए हम सौरभ जी से जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही, कैसा ये फील कर रहे हैं। सौरभ बताइए, क्या प्रॉब्लम थी आपके कान में और कैसे आपको एग्जामिनेशन में कितनी बार का आपका रिजेक्शन मिला पहले, और कैसे आपको पता लगा कि कान में आपकी प्रॉब्लम। सर मैंने ना पहली बार तो जब मेरा मेडिकल हुआ था आर्मी का, तो मेरे को वहाँ पे पार्ट मिला था आपके कान के पर्दे में छेद था, तो कान के पर्दे में छेद था, तो वहाँ से रेडीमेड से मिला, फिर हमने यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पे सर तो सर्च किया तो पता लगा यहाँ पे मतलब दूरबीन से होता था सर। तो मेरा नेवी का नेवी का क्लियर हो गया था, तो उसके बाद तो टाइम नहीं था, 15-20 दिन था ही, तो सर हमने यहाँ पे आके करवा के फिर गया मेडिकल के लिए। मेरा कल मेडिकल था 4 तारीख को, फिर वहाँ से मेडिकल के मेरा फिट हो गया, फिर वहाँ से मैं जस्ट हुई आ रहा हूँ सर। तो अभी आपको बस जाकर के सीधा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा और आप अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगे। जी सर। आपको ऐसा मतलब सोच के क्या फील हो रहा है, आपके पेरेंट्स की क्या फीलिंग रही होगी जब आपने बोला होगा कि भाई मेरा तो मेडिकल क्लियर हो गया है, कान में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो क्या उनका एक्सपीरियंस था। सर तो घर वाले बहुत खुश थे, तो बोले आपका हो गया तो अच्छा लग रहा है मेरे को भी, अब घर का भी स्थिति बढ़िया हो जाएगा सर होने के बाद भी, यही सब सर। चलिए हम देखते हैं आपका कान है ना, कहीं कोई चीरा तो नहीं लगा इसमें। नहीं सर। है ना, देखिए ये बिल्कुल कान का जो कान के पीछे का जो हिस्सा है ना बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई चीरा वगैरह कुछ है नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना, कोई यहाँ से कोई प्रॉब्लम। ये इनका कान का पर्दा है सामने वाला जो कि अभी क्लियर है, जस्ट 15-20 दिन ही हुए हैं, अभी थोड़ा सा रेडनेस है, 15-20 दिन के बाद और हम कुछ दवाइयाँ देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल आराम से जा सकते हैं और इसमें कोई स्पेशल कोई विशेष आपको प्रिकॉशन रखने की जरूरत नहीं है, और जस्ट जैसे दूसरे कान के आप प्रिकॉशन रखते हैं वैसे इस कान के आपको प्रिकॉशन रखनी है। जी ठीक है।